फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पद्मा यूट्यूबर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाल को नीचे खुला भी नहीं रख सकते, इसलिए मैं ज़्यादातर बाल को ऊपर ही बांध के रखती हूँ। चलते हैं बाहर की ओर। थोड़ी देर बैठे बाहर। हाय, बहुत ही बढ़िया पवन है। परवल, ये बड़ी वाली मिर्च, ये टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, और ये है गिलोड़ा, और ये है भिंडी। तो ये सारी सब्जियां आ चुकी है। अब इसे मैं थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी और ये आलू मंगवाए थे, लहसुन, नीचे प्याज है, तो आलू और प्याज भी। तो
टाइम पे तो नींबू शरबत है या फिर मौसम्बी है या नारियल पानी, ये सब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है पीने के लिए। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी तो नींबू में से ही हमें मिल सकता है। और अभी बहुत ही ज़्यादा क्या बताए, क्या है सिचुएशन। तो चलिए जो भी है, तो नींबू शरबत बना रही थी। पहले एक नींबू मैंने निचोड़ लिया था, लेकिन थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो वापस एक छोटा नींबू लेके आधा मैंने वापस से डाला था। तो फटाफट से मैं अब 2 ग्लास का बनाऊँगी नींबू शरबत। चीनी आप अपने हिसाब से डालिए, जितना खट्टा जो भी आपको बैलेंस करना है उस हिसाब से, और थोड़ा सा नमक। और बाद में मैं डालूँगी थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ अभी मैं। तो अभी नींबू शरबत वगैरह पीने के बाद फटाफट से खाना बनाने लगी थी। और आज खाने में मैंने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई की सब्ज़ी में बस सिंपल सा एक छोटा सा टमाटर डाला था, और बस जैसे नॉर्मली लगाते वैसे ही तड़का लगा दिया था। और ये देखिए, पूरी रेसिपी मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और फिर मुझे लेट भी हो रहा था इसलिए। और फटाफट से रोटियाँ बना ली थी और साथ में एक भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो बस ऐसे ही दोपहर का खाना मेरा हो चुका था। और उसके बाद वापस दोपहर के बर्तन वगैरह करने होते हैं, तो वही तो खाना खाने के बाद मैंने जो भी बर्तन वगैरह थे वो फिर क्लीन किए दोपहर के। और इसी तरह दोपहर का काम तो ख़त्म हो चुका था। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत आराम करने के बाद, दोपहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद क्या होता है कि शाम को वापस से दूसरे काम स्टार्ट हो जाते हैं, खाना बनाना वो सब वगैरह। तो बस ऐसे ही दिन चलता रहता है काम में ही काम में। अब सुबह से लेके रात तक पूरा दिन ख़त्म होने को आया है, और मतलब कि रात हो ही चुकी है। आपको पता चल ही जा रहा होगा बैकग्राउंड में अंधेरा वगैरह दिख रहा होगा इस तरीके, क्योंकि लाइट ऑन है अभी। और रात का आई थिंक 10:30 बजने को आए हैं या बज चुके हैं, पक्का नहीं पता है। लेकिन रात हो गई, अभी सोने का टाइम भी हो गया है।
और ऐसे ही एक और दिन बीत गया और अभी इस टाइम पे तो सारे दिन घर पे ही बीतने वाले हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।